वेलकम टू द पाठशाला। ये जो हमारी वीडियो है वो उन स्टूडेंट के लिए है जो 2018 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 2017 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने टीयर 1 अटैम्प्ट कर लिया है और टीयर 2 देने वाले हैं। उनके लिए टीयर 2 के विषय में हम अलग से क्लासेस बनाएंगे, अलग से क्लासेस चलाएंगे। ये जो क्लासेस है हमारी वो सिर्फ 2018 के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि अपनी बैच स्टार्ट करने वाले हैं 2018 के लिए। तो बैच स्टार्ट करने से पहले, पढ़ाने से पहले, हम चाहते हैं कि उनको ये सिखा पाएँ कि जो हमको पढ़ना है, जो हमारा पाथ होता है, वो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे हो। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हम आपको शॉर्टेस्ट पाथ सिखाएंगे। सपोज कीजिए आप यहाँ खड़े हो और आपको यहाँ पे पहुँचना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ सिखाएंगे कैसे यहाँ पे पहुँचा जाता है सीधे सीधे। और आज मैं पर्सनली आपको गाइड करूँगा कि जो आपका इंग्लिश का सेक्शन है, क्योंकि इंग्लिश मैं पढ़ाऊँगा, तो इंग्लिश के सेक्शन को गाइड करूँगा कि इंग्लिश के लिए आप क्या करो कि यहाँ से सीधे यहाँ पे पहुँचो। और हम एक प्राइज़ मनी अनाउंस करने वाले हैं, और ये प्राइज मनी उनके लिए नहीं है जो पास होंगे या टॉप करेंगे, ये उनके लिए है जो फेल होंगे। अगर हमारा पूरा का पूरा गाइडलाइन अपनाने के बाद भी आप फेल हो जाते हो, देन हम आपको प्राइज मनी देने वाले हैं। तो हमारे कुछ सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, क्योंकि हमको लगता है कि जो कुछ हम बता रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, जो गाइडलाइन बता रहे हैं, जो छोटे पाथ पे चलने के लिए, अगर आपने अगले 10 महीने तक वो अपनाया, तो कोई भी या किसी की औकात नहीं होगी आपको एग्जाम से बाहर करने की। खुद भी आप अपने आप को एग्जाम से बाहर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि या तो आप 10,000 रुपये जीत लो, या तो अपना कैरियर अपने पास रख लो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट जो है 10,000 के लिए जो है अपना कैरियर कुर्बान करेगा, और हमें पूरा विश्वास है। इसलिए ये प्राइज मनी हम जो है अनाउंस कर रहे हैं, और ये प्राइज मनी ऐसा होगा ना कि आप, आपके सामने खड़ा होगा, आप चाहोगे भी तो आप इसे ले नहीं पाओगे। और अगर आप फिर भी अगर इसको लेना चाहते हो, देन हम डेफिनेटली देने के लिए तैयार हैं। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिला जुला के आप को हम किसी भी तरीके से सेलेक्ट कराना चाहते हैं, तो हम आपको वो सारा कुछ सिखाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो को इन तक देखना है, और कायदे से देखना है, और प्रॉपर तरीके से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं, हमें क्या करना है। मैं आज बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सेक्शन की, और इसी तरह इंग्लिश सेक्शन पे बात करने के बाद लगभग हर सेक्शन पे इंडिविजुअली बात करूंगा कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है और कैसे पहुँचना है, और कई सारे कॉन्सेप्ट बताऊँगा, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपनाया है, जो हमें प्रिपरेशन का तरीका पता है, जिसके थ्रू हमने एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए आप समझिए कि आपके दो फेज के एग्जाम होते हैं बेसिकली इंग्लिश के। एक तो आपका टीयर 1 होता है और एक होता है टीयर 2। अब टीयर 1 आपका 50 नंबर होता है और टीयर 2 जो होता है आपका 200 नंबर का होता है। अब 50 नंबर और 200 नंबर का है तो इनमें थोड़ा सा चेंजेस होते हैं कि टीयर 1 में कुछ सेक्शन आते हैं और टीयर 2 में कुछ सेक्शन नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपके पास 10 महीने हैं तो क्या आप टीयर 1 के लिए 10 महीने प्रिपेयर करोगे, फिर टीयर 2 के लिए जो 2 महीने मिलते हैं उसके लिए प्रिपेयर करोगे? ऐसा नहीं होता है। आपको सारा का सारा प्रिपरेशन एक साथ करना है। पहले तो आप समझ लीजिए कि टीयर 1 में वैसे क्या आना पड़ता है। इसमें भी आपको एक तरीके से फेज डिफाइन करना पड़ता है कि फेज 1 में क्या पढ़े हम, फेज 2 में क्या पढ़े। ये टीयर 1 टीयर 2 नहीं है, आपकी पढ़ाई का प्रोसेस है। कि एक होता है ना कि पहले हम ये पढ़े और बाद में ये पढ़े, तो मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये सिखा जाना चाहता हूँ कि आप इसको ब्रेक कीजिए फेज 1 एंड फेज 2 में। तो फेज 1 आप प्रायोरिटी दीजिए कि आपको पहले क्या पढ़ना है और देन उसके बाद फेज 2 में क्या पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाने वाले हैं कि फेज 1 में क्या पढ़िए और फेज 2 में क्या पढ़िए। पहले आप समझ लीजिए कि इंग्लिश में आपका आता क्या क्या है। आपका सबसे पहले आता है ग्रामर, और साथ में आता वकैब, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। फिर आपका आता एक तरीके से पैरा जम्बल्ड, आपका पैरा जम्बल्ड हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, और पैसेज हो गया। तो ये चीज आपका एग्जाम में आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वाइस, और बाकी ये सब ग्रामर के ही पार्ट है। आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, एरर फाइंड आउट करने के लिए आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, इस तरीके का डैश डैश करके दिया रहता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम में आती है। अब किस प्रोसेस के थ्रू आप जो है जाओ, आप बात करते हैं उस चीज की। जैसे कि मैंने बोला था कि आपको, कि सपोज कीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में भी ये चर्चा की थी मैंने, ये आपका डेस्टिनेशन, आपका गोल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब आपको पाथ जो है ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है। तो ये हम बाकी तीन पाथ की बात नहीं करेंगे, हम पाथ नंबर 1 की बात करेंगे। ये वाला जो पाथ है, इस पाथ की बात करेंगे। ये आपका गोल और डेस्टिनेशन है, आपको यहाँ पे पहुँचना है, समझ रहे हैं ना? ये चीज़ है, आपको यहाँ पे पहुँचना है गोल और डेस्टिनेशन पे, आपको पाथ नंबर 1 पे चलना है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप अपने आप को ब्लैंक पेपर मानिए। क्या मानिए? ब्लैंक पेपर मानिए कि
कि आपके पास जो है कुछ भी नहीं है, आप मतलब ऐसे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, जीरो लेवल पे हो आप, ना आपको इंग्लिश का कुछ आता है, ना मैथ का कुछ आता है, कुछ नहीं। एक ये एक एज्यूम करना अपने आप को, नहीं आता है आपको, देन वहाँ से आपको स्टडी स्टार्ट करनी है। ये मान के चलोगे कि हमको ये आता है, हमको ये नहीं पढ़ना है, हमको ये आता है, हमको ये नहीं पढ़ना है, देन ये सबसे पहला मिस्टेक होता है हमारा। सबसे पहले मिस्टेक हम यही करना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने खुद भी किया ये मिस्टेक, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अपने आप को मानिए कि ब्लैंक है, हमको कुछ नहीं आता है एसएससी सीजीएल के विषय में, क्या आता है क्या नहीं आता, ना हमको मैथ आती ना इंग्लिश आती है, ब्लैंक मान के आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट करनी है, फिर आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब समझिए कि मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ना क्या क्या है। जैसे बात करें ग्रामर, सबसे पहले ग्रामर में आपका क्या क्या पढ़ना स्टार्ट करना होता है। ग्रामर में आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक तो हो गया ग्रामर के रूल्स आपको पढ़ना होता है, और दूसरा रूल्स पढ़ने के बाद बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस में क्या करना होता है, सबसे पहला जो फेज होता है प्रैक्टिस का, सबसे पहले आपने रूल्स पढ़ा, रूल्स पे बेस्ड जो भी आपको पढ़ा रहा है उसके साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी होती है, और फिर उस पर प्रैक्टिस करनी होती है ज़्यादा। जो ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है वो सबसे पहले फेज में क्या करनी होती है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने होते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद एडिशनल जब ये आपका कंप्लीट हो जाए तो एडिशनल कुछ और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एडिशनल एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो दो चीज़ें समझिए कि एक तो पहले प्रीवियस ईयर पहले रूल्स पढ़ते हैं पूरा का पूरा, उसके साथ जिस भी जगह से आप पढ़ रहे हो उस जगह से जो है एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स पूरे सॉल्व करते हैं, जितने भी 10 साल 12 साल के हैं उनमें सारे के सारे रूल पे बेस्ड जो है किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करते हैं। उससे आपको समझ में आने लगेगा कि एग्जाम किस तरीके का आता है, किस तरीके का वेरिएशन करता है, आपको एक एनालिसिस करने आ जाएगी, और इसके बाद आपको भी लगेगा कि हाँ चलो ठीक है इससे सिलेक्शन पक्का हो रहा है। फिर आपको एडिशनल पढ़ना पड़ेगा ताकि आप रैंक बना सको। तो ये एक फेज होता है ग्रामर का। फिर बात आती है वकैब की, कि वकैब आप कैसे पढ़ना स्टार्ट करो। वकैब में आप जैसे समझिए इसकी कोई लिमिट है, आपको लगती है कि लिमिट है, आप जितना वकैब करोगे उतना कम होता है, जितना करोगे उतना कम होता है। वकैब भी पढ़ने का आपका दो फेज होता है। सबसे पहले फेज में आप क्या करो कि सारे के सारे जो है वकैब पढ़ो प्रीवियस ईयर के, और उसके बाद फिर एडिशनल पढ़ो। लगता है आपको इतना है और हमको और इतना कर लेना चाहिए, हमारे पास समय है, तो क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट करने हैं, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इंग्लिश ही करनी है, हमको मास्टरी हासिल करनी है। तो ध्यान रखिएगा हमको पीएचडी नहीं करनी होती, हमको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है। अब वकैब में भी क्या पढ़ते हैं, एक आपका सिनो आ गया, एक हो गया एंटो, ठीक है। सिनो एंटो के अलावा जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो वन वर्ड का होता है और ईडियम्स का होता है, लाइक मैंने बताया था प्रीपोजिशन चार्ट का होता है, आपका फ्रेजल वर्ब का होता है। तो ये सारी की सारी जो है आपका वकैब का पोर्शन कंटेन करती है, मेजर पोर्शन। सिनो एंटो का पोर्शन जो है आता है आपको पढ़ना, सिनो एंटो भी है, लेकिन जो होता है फेज वन फेज टू में, तो फेज वन में आप क्या करोगे, फेज वन में आप पढ़ोगे पहले वन वर्ड, और उसके बाद पढ़ोगे ईडियम्स, फिर प्रीपोजिशन चार्ट, फिर फ्रेजल वर्ब, क्योंकि जो ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं जो रूल्स पे वो इन पे ज़्यादा बेस्ड आते हैं। ईडियम्स पे गलत ईडियम्स रखे जाते हैं, गलत प्रीपोजिशंस रखे जाते हैं, गलत फ्रेजल वर्ब्स रखे जाते हैं। सिनो एंटोनेम्स का फिल इन द ब्लैंक्स, लाइक वो होता है ना कि आपका स्पेलिंग करेक्शन आता है, ये इनका वेटेज थोड़ा कम रहता है, तो पढ़ना तो इनको भी है, लेकिन वो फेज में आप करते हो कि पहले कौन प्रायोरिटी किस पे दो और लेटर प्रायोरिटी किस पे दो। तो जिसका वेटेज ज़्यादा है उस पे जो है आप ज़्यादा मेहनत करोगे, और एक बार वो कंप्लीट हो गया देन आप जो कम मार्क्स का आता है उस पे जाना होता है। तो ये प्रोसेस होता है आपको कि इसके थ्रू जाना होता है। अब तो ये रही बात कि हम ग्रामर और वकैब को कैसे पढ़े, और इसके लिए जैसे बताया मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स पहले करते हैं, फिर एडिशनल करते हैं, लाइक न्यूज़पेपर में जो कॉमन कॉमन से वर्ड है और अभी तक नहीं पूछे गए तो उनके चांसेस होते हैं कि दोबारा पूछ दिए जाएँ। ये तो रही बात कि ग्रामर और वकैब में हमको पढ़ना क्या क्या है, किस तरह पढ़ना क्या क्या है। अब चलिए हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं कि इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। एक मैंने जो है 2017 के स्टूडेंट को सिखाया था माइंड बाउल कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ, और यही एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कारगर होती है। ये समझिए, एक इसको मैंने माइंड बाउल का नाम दिया है, एक कॉन्सेप्ट है मेरी तरफ से कि ये आपका एक घड़ा है, ये घड़ा है, ये आपका नॉलेज का घड़ा है, ये क्या करना है आपको भरना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे एक लीकेज है। इस लीकेज के थ्रू जो कुछ भी आप पढ़ते हो वो आप भूल जाते हो, मतलब इतना पोर्शन निकल जाता है। तो आपको करना क्या है कि ये वाला पूरा का पूरा घड़ा फिल करना है। अब ये घड़ा फिल कैसे होना, जब आप जान रहे हो कि ये लीकेज परमानेंट होता रहेगा, लीकेज ये परमानेंट होता रहेगा, तो आपको
आपको क्या लगता है कि ये घड़ा कभी भर पाएगा? नहीं, ये घड़ा कभी भी आपका भर नहीं पाता है, ये घड़ा हमेशा खाली रहता है। तो आपको ये देखना है कि आप घड़ा कितना भर पा रहे हो, इतना, इतना या फिर इतना या फिर एकाध कुछ छूट रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपना घड़ा किस तरीके से कितना भर पा रहे हो। तो ये जो 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 लीकेज होता है, सपोज कीजिए जैसे आज आपने पढ़ा तो आपको 2 दिन तक याद रहेगा, तीसरे दिन वो भूल जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, ये जो भूला हुआ पार्ट होता है इसको लगातार फिल करना रहता है। एक स्टूडेंट क्या करता है, एग्जाम के 10 दिन पहले रिविजन करता है। तो एग्जाम के 10 दिन पहले भी आप रिवाइज करोगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करोगे। लाइक जैसे आपने फर्स्ट डे पे पढ़ा और दूसरे दिन जब आप आए तो क्या कि आपने पहले दिन का पहले रिवाइज किया और फिर दूसरे दिन वाला पढ़ा, तो उससे क्या होगा कि आप दूसरे दिन के बाद जब तीसरे दिन पे जाओगे तो आपको क्या करना होगा, पहले दूसरे दिन का रिवाइज करो, देन तीसरे दिन का पढ़ो, फिर चौथे दिन पे जाओ तो ये सारा का सारा रिवाइज करो फिर जाओ। तो रिविजन में लगता है बहुत कम समय, स्टार्ट में आपको ये बहुत टफ काम लगेगा, लेकिन जैसे ही जैसे आप 14-15 दिन पे पहुंचोगे, इस 14-15 दिन पे आपको जब 13-14 दिन का याद आ जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना, आत्मविश्वास आपका इतना बढ़ेगा, आपको लगेगा कि आप दुनिया की हर चीज़ फोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, हर चीज़ सीख सकते हो। तो ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट है, इसको मैं हर वीडियो में आपको सिखाता चलूंगा और ये बताता चलूंगा। आज बता रहा हूँ, मुझे पता है कि आज मैं बताऊंगा तो 3 दिन 4 दिन तक याद रहता है, फिर आप भूल जाओगे, इसको अपना नहीं पाओगे। तो मेरे हर वीडियोज़ में आपको ये घड़ा भरा हुआ रखा रहेगा ऐसे, और उसके बाद हर वीडियोज में मैं आपको समझाता रहूंगा कि ये घड़ा फिल कैसे करना है। ये तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात वही है कि ये जो शॉर्टेस्ट रूट है, इस पे कैसे चले। तो ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये आपको शॉर्टेस्ट रूट पे ले जाएगा, कहीं घुमाएगा नहीं, कहीं वो नहीं करेगा। स्टार्टिंग कुछ डेज में आपको लगेगा कि ये डिफिकल्ट पाथ है, लाइक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए, लेकिन जैसे ही आपने 20 दिन, 25 दिन या 30 दिन के आसपास इसे किया वो इजी हो जाएगा। और एक तो पढ़ने का ये प्रोसीजर होता है कि जैसे आप, अगर मैं अभी आपको समझा रहा हूँ तो आप 4 दिन तक ये प्रोसेस अपना पाओगे, 5वां दिन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, 6वां और डिफिकल्ट होता है, 7वां और डिफिकल्ट रहता है। अगर 1 वीक तक आपने पूरा का पूरा जो है रेगुलरिटी के साथ ये कर लिया तो फिर वो आपके रूटीन में आ जाता है, जैसे कहते नहीं कि आदत बन गई है। तो 4 दिन तक आप जबरदस्ती कर ले जाते हो, 4 दिन तक हो जाता है, 5वां, 6ठा और 7वां दिन नहीं होता है। अगर किसी भी तरीके से आपने 5वां, 6ठा और 7वां दिन कर लिया तो वो फिर आपकी आदत हो जाती है, आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो आप वो प्रोसेस लगातार अपनाते रहते हो और वो ईज में आ जाता है। तो आपको ये काम करना है कि ईज में लेना है। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये बार बार आपको रिवाइज करना है और इसे ही क्या करना है, आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है। तो आपको एक चीज याद रखना होगा, रीड रिपीट रिवाइज, ये 3 R याद करने होंगे। ये मैंने भी किसी से सीखा था और ये बहुत कारगर होती है कि आप पढ़ो, रिपीट करो, फिर रिवाइज करो। तो ये चीजें लगातार आपको करती रहनी पड़ेगी। और एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया माइंड बाउल का, और बात करूं मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, दूसरा कॉन्सेप्ट है नोट्स। नोट्स जो है उसे बनाना आपको आना चाहिए। अगर नोट्स, अगर इफेक्टिव नोट्स बनाने नहीं आए आपको तो क्या होगा ना, बहुत प्रॉब्लम होगी। नोट्स कैसे बनाएं इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन रफली यहां पर समझ लीजिए कि सपोज कीजिए कि मैं आपको 5 मंथ्स की 2 शिफ्ट पढ़ाने वाला हूँ, 5 मंथ की 2 शिफ्ट रहेगी, ध्यान रखिएगा। एक शिफ्ट में मैं जो अभी बता रहा हूँ वो कराऊंगा, दूसरा शिफ्ट में अभी बताने वाला हूँ अभी आगे चल के इस वीडियो में कि क्या करेंगे। नोट्स अगर आपने नहीं बताया, जैसे कि मैं आपको क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, आपको डाउट्स के नोट बनाने होंगे, आपको वो चीज़ों के नोट्स बनाने होंगे जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है, बार बार भूल रही है, आपको उसको मेमोनिक के थ्रू याद करनी होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें भूल जाती है, नहीं याद आती है, उन सब के आपको नोट्स लगातार बनाने पड़ते हैं, ताकि जब आप एग्जाम वाले समय में आओ, जब आपका 1 महीना रह जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि इतना सारा है सबका सब रिवाइज करना, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप नोट्स बना के रखते हो तो नोट्स रिवाइज करना बहुत ही आसान रहना है। तो आपका जो ये 2 फेज है, आप समझ लीजिए कि इन 2 फेज में हम आपको कराने क्या वाले हैं। पहले फेज में क्या करेंगे, पहले फेज में आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपको मॉक नहीं देना है। पहले फेज में हम सिखाएंगे सारा रूल्स, आपको प्रैक्टिस कराएंगे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कराएंगे, और मॉक टेस्ट आपको नहीं देना है पहले फेज में, ध्यान रखिएगा। 1st 5 मंथ में जो है आपको मॉक नहीं देना है। दूसरे वाले में क्या करना है, दूसरे वाले में आपको यही चीज फिर से रिवाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ अगले 5 महीने इसको रिवाइज करना है और अब मॉक देना है। मॉक देने के बाद मॉक से जो निकला हुआ एडिशनल वर्ड हो, एडिशनल कॉन्सेप्ट हो, उनके नोट्स बनाने हैं,
उन नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, और फिर यहीं पे आपका परफेक्शन आता है, यहीं पे आप जो है 250 में से आसानी से 230 नंबर तक निकाल सकते हो। ये प्रोसेस होता है, फर्स्ट फेज रूल्स, आपका वकैब, आपका प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन सेट, वकैब पढ़ रहे हो तो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का वकैब। दूसरे में क्या करते हैं, वकैब में एडिशनल वकैब जो भी आपको मॉक में मिल रहे हैं कि आपने बहुत सारा सपोज कीजिए 10,000 वकैब याद कर लिया है और बाद में क्या किया आपने कि जो मॉक लगाया उसमें दो दो तीन तीन चार चार नए वकैब मिल रहे हैं, तो वकैब उसमें एडिशनली ऐड करते रहो। न्यूज़पेपर मान लो थोड़ा बहुत आप रीड कर रहे हो पैसेज वगैरह कंप्रिहेंशन अच्छा करने के लिए, तो उसमें थोड़े वकैब मिल रहे हो तो वो भी साथ में एडिशनली ऐड करते रहो। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो आपको 250 से 200 250 में से 230 नंबर तक 220 नंबर तक इंग्लिश में निकालने में मदद करेगा। और इतना अगर इंग्लिश में निकल गया तो समझ लीजिए कि आपने महारत हासिल कर लिया। ये बहुत ही मुश्किल होता है निकालना, समझ रहे हैं आप जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और बात करें अब हम यहाँ पे प्राइज मनी की, कि प्राइज मनी हम कैसे देने वाले हैं आपको। अगर ये सारा का सारा प्राइज आपने मतलब काम अगर आपने किया पूरे साल भर, 10 महीने तक आप रेगुलर रहे हमारे साथ, और उसके बाद भी अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो आप अपने प्राइज को क्लेम कर सकते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हमारा कि प्राइज मनी आप कैसे क्लेम करोगे। प्राइज मनी क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको रेगुलर होना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर हो, अब कैसे पता चलेगा, आप बोलोगे सर मैं रेगुलर रहा और मैं बोलूंगा तुम रेगुलर नहीं रहे, तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको क्या अपनी ओरिजिनल आईडी से जो अकाउंट खोलना होगा यूट्यूब पे, और चैनल सब्सक्राइब करना है आपको, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद हर क्लास मेरी लिख देखने के बाद नीचे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है अटेंडेड, ताकि हमें यह पता चल पाए कि आपने अटेंड किया है। तो लास्ट में जिन भी स्टूडेंट हमसे प्राइज मनी के लिए क्लेम करेंगे तो हम सिर्फ वही देखेंगे मैसेजेस कि क्या हर स्टूडेंट ने वो अटेंड किया है हमारी क्लास की नहीं किया है। तो आपको प्रॉपर वहां पे अटेंड करना है कि अटेंडेड का एक मैसेज छोड़ना है कि हाँ हमने क्लास को अटेंड कर लिया है। आपके डाउट्स वगैरह भी आप कमेंट सेक्शन में डाल रहे हो, वहां से हमको पता चल पाएगा कि आप रेगुलर हो, हमारी हर क्लास देख रहे हो, और आपको हमारी हर क्लास देखनी है, हर क्लास रिवाइज करनी है, और हमारे प्रोसेस के थ्रू ही आपको पढ़ाई करनी है। और हमको पता है कि एक बार आपने एक काम किया तो आपको कोई भी एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक करने से रोक नहीं सकता है, आप खुद भी रोक नहीं सकते। दूसरा कंडीशन क्या है कि ऑनेस्ट रहना है आपको अपने के साथ, अपने आप के साथ, मेरे साथ नहीं अपने आप के साथ रहना कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ मुझे एग्जाम क्रैक करना है। तीसरा कंडीशन वो है कि आपको उन सारे निगेटिव फैक्टर्स को छोड़ने होंगे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके ब्रदर सिस्टर्स हो, चाहे आपको फ्रेंड्स हो जो निगेटिविटी फैलाते हो आपके अंदर कि आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो, एक साल में क्रैक नहीं कर सकते हो, एक बार में क्रैक नहीं कर सकते हो, या भी किसी भी तरीके की निगेटिविटी अगर आपके साथ वो फैला रहे हैं तो आपको उनको भी छोड़ना है। आप समझ रहे हैं, और सारा का सारा चीज़ जो जैसे हम बता रहे हैं इससे ज़्यादा हमारा कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। इसके अलावा जो है आप हमारे साथ जो है अगर आपने पूरा का पूरा प्रोसेसेस अपनाया है तो आप हमारे साथ जो है हमारे ऊपर प्राइज मनी क्लेम कर सकते हो। अगर आप फिर भी सेलेक्ट नहीं हुए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको पैसे देंगे। 10,000 हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम आसानी से आपको दे लेंगे। अब ये जो हमारा बैच है जब कब से स्टार्ट होने वाला है, हम 15 सितंबर से जो है प्लान कर रहे हैं इसको स्टार्ट करने के लिए, और आप लोगों को हमारी एक मदद करनी होगी। हम चाहते हैं कि ये जो एजुकेशन है ये एजुकेशन हम घर घर तक पहुंचा पाएं, ताकि जो गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं। मैं भी गांव का एक स्टूडेंट हूं, हमको पता है कि वहां कितना टैलेंट होता है, लेकिन वहां पे या तो अच्छे टीचर्स नहीं हैं या जो है फाइनेंशियली वो वीक हैं, लाइक किसान के बच्चे हैं, गरीब हैं, टैलेंटेड बहुत हैं, उन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमारा मेन मोटिव ये था कि हम उन तक अपनी एजुकेशन पहुंचा पाएं। तो आपको क्या करना है, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करनी है, अपने दोस्तों से बात करनी है, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करना, उनको बोलिए आए यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन रखें। और एक चीज़ और, अगर आप में से कोई लोग ऐसे लगते हैं जो लगता है कि वो लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, हमारी हेल्प कर सकते हैं, लाइक हम कुछ कंटेंट आपको बताएंगे कि कंटेंट जो है आप ये हमें प्रिपेयर करके अगर उनकी वीडियोस भेज सको तो वो बहुत हेल्पफुल होगा बाकी स्टूडेंट के लिए। लाइक हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आशीष सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, और हमें जीएस भी पढ़ाना है, रीजनिंग भी पढ़ाना है, सारा कुछ पढ़ाना है। तो ये चीज़ें हम चाहते हैं कि आपको पूरा का पूरा दे पाए। हम अपने पास से भी टीचर्स को इन्वाइट कर रहे हैं, दोस्तों को इन्वाइट कर रहे हैं, ताकि इस जो है सोशल कॉज में वो हमारी मदद कर सके। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो लगता है कि वो मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो यहाँ पे गाली गलौज फैला रहे हैं, तो कमेंट सारा अप्रूव्ड है, तो वो सारे के सारे वैल्यूएबल कमेंट्स जो अच्छे हैं वो अप्रूव्ड किए जाएंगे, और कोई गाली गलौज फैला रहा है तो इस चैनल पे हम उन्हें मौका नहीं देंगे, उनके कमेंट्स अप्रूव नहीं किए जाएंगे। सो हम अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म को जो है बेहतर बना सके एसएससी सीजीएल के लिए।
तो आप लोग क्या कीजिए, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, भारी से भारी मात्रा में पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि हम एजुकेशन जो है सब तक पहुंचा सकें। अगले वीडियोस में मैं इंग्लिश को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए कुछ स्ट्रैटजी, कुछ प्रॉपर चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। टीयर वन के साथ अलग तरीके से डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि ग्रामर कैसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश कैसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 15 सितंबर से पहले वो सारा चीज़ कि आप किस तरीके से स्टार्ट करो और गलत रास्ते पे ना जाओ, वो सारी की सारी गाइडलाइन हम 15 सितंबर तक आप लोगों के पास अपलोड कर देंगे, आप लोग तक पहुंचा देंगे। आप लोग को उसको स्प्रेड करना है और सारी की सारी वीडियोस देखनी है, ध्यान रखिएगा। और कमेंट सेक्शन में अटेंडर लिखना कभी ना भूलिएगा, अगर आप चाहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर साबित हो तो।